आखिर क्या है मोनालिसा की पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे खास रहस्यमय और प्रसिद्ध पेंटिंग बनाता है? आखिर वो कौन सी बेहद अमेजिंग और डिफिकल्ट टेक्निक है जिससे मोनालिसा को बनाया है? आखिर वो ब्रश इतना खास क्यों है जिससे मोनालिसा को पेंट किया गया है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान किसी पेंटिंग की वजह से सुसाइड कर ले? मोनालिसा पेंटिंग के इतने अनसुलझे राज हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाएंगी। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट थ्रू एंटरटेनमेंट के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, मोनालिसा को इटली के एक बेहद ही मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। मोनालिसा, जिसको इटालियन में मोना लिज़ा भी बोलते हैं, एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग है जो मात्र 30 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है, जिसका वजन 8 किलोग्राम है। मींस कि जितना आप सोचते हैं ये उससे काफी छोटी है। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा पेरिस के लवेरे म्यूजियम में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, में रखी हुई है। ये पेंटिंग इस म्यूजियम में कैसे पहुंची, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3, लियोनार्डो दा विंसी एक प्रकृति प्रेमी, वैज्ञानिक और एक लेखक भी थे। अपने इसी प्रकृति प्रेम को उन्होंने मोनालिसा में प्रदर्शित भी किया है। एक लेखक होने के बावजूद उन्होंने अपने किसी लेख में इस पेंटिंग का कोई जिक्र नहीं किया है। ये कलाकृति इतनी खूबसूरत है कि इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस पेंटिंग के बारे में सबसे ज्यादा बार लिखा और गाया गया है। लियोनार्डो दा विंसी इतने प्रतिभावान थे कि वो एक हाथ से पेंटिंग बना सकते थे और एक हाथ से लिख सकते थे। उन्होंने इस ऑयल पेंटिंग को सन 1503 से सन 1517 तक कुल 14 साल में बनाया था, और उन्होंने इसमें किसी कागज और कलम का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने इसे पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बाल से भी पतले मात्र 40 माइक्रोमीटर मोटे ब्रश से 30 परतों में बनाया था। और कमाल की बात तो ये है कि इस पेंटिंग में ब्रश का कोई भी स्ट्रोक नहीं दिखता है। फैक्ट नंबर 4, इस पेंटिंग की सबसे खास बात इसकी रहस्यमयी मुस्कुराहट है, जो अलग अलग एंगल से अलग अलग इमोशंस शो करती है। कभी ये मुस्कुराती है, कभी फीकी पड़ जाती है और कभी गायब हो जाती है। ऐसा लगता है मानो मोनालिसा कोई राज छुपा रही हो या कुछ कहना चाह रही हो, और ठीक उसी समय विंसी ने उसकी पेंटिंग बना दी हो। इसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है, जिसकी वजह से ही इसकी मुस्कुराहट इतनी खास है। विंसी को सिर्फ इसका होंठ बनाने में 12 साल लगे थे। कुछ लोग मानते हैं कि शायद मोनालिसा के दांत नहीं थे, इसलिए विंसी ने मोनालिसा के होंठ को थोड़ा दबा हुआ बनाया था। सन 2000 में हार्वर्ड के साइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। इस पेंटिंग को जैसे आप देखना चाहोगे ये वैसी ही दिखेगी। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा असल में कौन थी, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं ये विंसी की खुद की तस्वीर है, क्योंकि विंसी की फेशियल प्रोफाइल और मोनालिसा की फेशियल प्रोफाइल काफी मिलती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये लिसा गिराल्डिनी नाम की महिला की तस्वीर है, जो फ्रांसिस्को डिल जियोकोंडा की पत्नी थी। फैक्ट नंबर 6, ये पेंटिंग कहाँ बनी और ये पेंटिंग पूरी है या नहीं, ये भी एक रहस्य है, क्योंकि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं है, लेकिन पास्कल कोट के हाई रेजोल्यूशन स्कैन से ये प्रूव हो चुका है कि मोनालिसा की आईब्रोज थी, लेकिन वो पेंटिंग की बार बार क्लीनिंग की वजह से मिट चुकी हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसको अधूरी ही मानते हैं, क्योंकि सन 1517 में विंसी का हाथ पैरालाइज हो गया था और वो इस पेंटिंग को चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते थे। विंसी ने इसमें क्या चीज पूरी नहीं की और इसमें क्या चीज अधूरी छोड़ गए, ये आज तक भी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 7, विंसी ने इस पेंटिंग को सुफुमाटो नाम के टेक्निक से बनाया है, जो बेहद ही मुश्किल और जटिल टेक्निक है। फैक्ट नंबर 8, 1852 में लुक मास्पिरो नाम के व्यक्ति को मोनालिसा से इतना प्यार हुआ कि उसने पेरिसियन होटल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सन 1960 में मोनालिसा पेंटिंग का इंश्योरेंस इवैल्यूएशन लगभग $100 मिलियन और आज की तारीख में इसका इवैल्यूएशन लगभग $870 मिलियन या करीब 7,000 करोड़ रुपए आंका गया है। लेकिन फ्रांस की सरकार ने इसका कभी इंश्योरेंस नहीं करवाया, क्योंकि फ्रांस हेरिटेज लॉ के अंतर्गत फ्रांस की सरकार इसको अमूल्य धरोहर मानती है। फैक्ट नंबर 10, ये पेंटिंग एक बार चोरी भी हो चुकी है। 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो पेरुगिया नाम का इटालियन म्यूजियम वर्कर अपने कोट में छुपाकर इसे इटली ले गया था। वो एक देशभक्त था और इटली की धरोहर को इटली वापस लाना चाहता था। वो इसे इटली के फ्लोरेंस आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को देना चाहता था। ये पेंटिंग वहाँ 2 हफ्ते तक रही भी थी, लेकिन 4 जनवरी 1914 को ये वापस लोवेरे म्यूजियम पेरिस पहुंच गई। विंसेंजो पेरुगिया को 6 महीने की सजा भी हुई, लेकिन बाद में उसको इटली की सरकार ने सम्मानित भी किया। इसी चोरी के बाद से ही मोनालिसा की ख्याति और बढ़ गई थी। इस पेंटिंग पर 1956, 1974 और सन 2000 में हमले भी हो चुके हैं। 30 दिसंबर 1956 को इस पर एक बोलिवियन नागरिक द्वारा पत्थर फेंका गया था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी पर हल्का निशान आ गया था, जिसको अब रिपेयर कर लिया गया है,
लेकिन ध्यान से देखने पर ये निशान अभी भी हल्का सा दिखता है। इसके बाद मोनालिसा को बुलेट प्रूफ ग्लास में कवर्ड कर दिया गया। इसके बाद भी एक महिला द्वारा मोनालिसा पर एसिड और एक अन्य महिला द्वारा इस पर चाय का प्याला फेंका गया था, लेकिन दोनों ही हमलों में बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से ये पेंटिंग बच गई। फिलहाल इस पेंटिंग को 18 से 21 डिग्री सेल्सियस में हीट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा गया है। फैक्ट नंबर 11, सन 1519 में दाविंसी की मृत्यु के बाद फ्रांस के राजा इस बेशकीमती पेंटिंग को अपने महल में अपने प्राइवेट कलेक्शन में रखते थे। नेपोलियन को ये पेंटिंग इतनी पसंद थी कि वो इसे अपने बेडरूम में रखते थे। फैक्ट नंबर 12, वर्ल्ड वार टू में 16 बार इस पेंटिंग की जगह बदली गई ताकि ये नाजियों के हाथ में न चली जाए। फैक्ट नंबर 13, पैरानॉर्मल क्रूसिबल वेबसाइट ने खुलासा किया है कि यदि मोनालिसा को लेफ्ट साइड से मिरर से जोड़कर देखा जाए तो उसमें एक एलियन की आकृति नजर आएगी। फैक्ट नंबर 14, मोनालिसा के बाएं कंधे के पीछे इटालियन में एक सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ है जिसका नाम है ला रिस्पोस्ता सी त्रोवा कुई, जिसका मतलब है द आंसर लाइज हियर। मोनालिसा की आंखों में भी कुछ सीक्रेट अक्षर लिखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 15, लोवेरे म्यूजियम पेरिस में जहाँ ये पेंटिंग है उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी और बेहद खूबसूरत पेंटिंग लगी है जिसका नाम है द वेडिंग फेस्ट एट कैना। फ्रेंड्स, मोनालिसा की पेंटिंग आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। आपको मोनालिसा की पेंटिंग की सबसे खास बात क्या लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।